ये सनु जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में अगर सबसे पहले अगर विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम ही बताया जा रहा है कि वहाँ पे उत्पादन सूखे के चलते कम रह सकता है। वहीं से यूएस में देख रहे हैं कि यूएस में सोयाबीन का प्रोडक्शन ज़्यादा बताया जा रहा है, और भारत में देख रहे हैं इंडिया में कि जो मंडियों में आवकें हैं वो कम देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, भारत में सोयाबीन की कीमतों में अभी क्या नरमी रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे सरसों की अराइवल्स भी आने वाली है, तो क्या उसकी वजह से सोयाबीन का बाजार लुढ़क सकता है? और देखिए, इस बार भारत के अंदर भी हमने अच्छी फसल सोयाबीन की देखी है और सरसों की फसल भी इस बार अच्छी देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि भाव कुछ यहाँ पे रुकते हुए नजर आएंगे। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिली है, इस बार इंपोर्ट भी काफी हुआ है पाम तेल। तो हमें लगता है कि एडिबल ऑयल में कुछ नरमी के साथ ही आने वाले दिनों में ट्रेड देखने को मिल सकता है। अवेलेबिलिटी जो है भारत के अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो क्रॉप साइज है वो भी अच्छा है, तो बिकवाली की ही सलाह रहेगी। हमें लगता है कि भाव यहाँ पर अभी कुछ स्टेबल हो सकते हैं और बिकवाली के साथ ट्रेड यहाँ पर हो सकता है। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।